हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु बैक अगेन विद अनदर वीडियो और वेलकम टू न्यू सीरीज जिसके अंदर हम एडवांस्ड टॉपिक्स पे बात करेंगे इंट्यून के। हमने पुरानी वीडियोस में ये देखा कि हमें इंट्यून की ज़रूरत क्या है ज़रूरत एक एमडीएम की आज के टाइम में, और हम इंट्यून से क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स हैं, कंप्लायंस पॉलिसी क्या होती है, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी क्या होती है, और हमने बहुत आराम से उन चीज़ों पे टच किया। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत डीप में गया उसमें, वो सिर्फ एक तरह से एक बेसिक सॉर्ट ऑफ एक इंट्रोडक्शन टाइप एक सीरीज़ थी। बट एडवांस सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो तो। आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो मुझे आपके कमेंट्स में काफ़ी प्यार मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अभी भी मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो अभी भी 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हो, नाउ इज़ द टाइम, पॉज करो वीडियो और प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब पे एक बार क्लिक कर दीजिए। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, आपका प्यार और सपोर्ट मिलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक क्विक रीकैप कर लेते हैं कि हमने पुराने चीज़ों में क्या क्या किया। सो बिगिनर सीरीज में हमने देखा कि क्या MDM होता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और किस तरह से वो एंड्रॉयड विंडोज डिवाइसेस और iOS डिवाइसेस को हम मैनेज कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें वो चेक करेंगे जो अभी तक हमने नहीं करी थी। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंट्यून में आई हैं, और इंट्यून में वो क्या चीज़ें हैं जो बाकी MDMs में नहीं है, और इंट्यून काम कैसे करता है, बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है, किस तरह से ये सब चीज़ें अप्लाई करता है हमारे विंडोज 10 डिवाइस पे। मैं इसको विंडोज स्पेसिफिक ही रखूँगा क्योंकि विंडोज ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, और एंड्रॉयड और iOS के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपसे बात करूँगा कि किस तरह से हम उसके लॉग्स चेक करते हैं। बट आने वाले टाइम में ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑटोपायलट। आज की डेट में मैं जितने भी कस्टमर्स क्लाइंट से बात करता हूं वो सब ऑटोपायलट को यूज करना चाहते हैं। क्या है ये ऑटोपायलट, और सबसे बड़ी बात, ऑटोपायलट क्यों, व्हाई ऑटोपायलट। पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे डिवाइसेस होते थे वो IT एडमिन्स मैनेज करते थे। जब भी कोई नया डिवाइस आता था तो उनको सारे के सारे ड्राइवर्स, सब सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस, वॉलपेपर्स कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके एक्सेस देना और सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना, ये सब करना पड़ता था, और हर एक डिवाइस पे अलग अलग करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक नया सिस्टम यूज़ किया जिसको बोलते थे इमेजिंग, तो उन्होंने एक इमेज बनाया और इमेज को डाल के वो पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर देते जिसके अंदर ऑलरेडी सब ड्राइवर्स, एप्लीकेशन, वॉलपेपर वगैरह सब कुछ आ जाता था। लेकिन उनको वो हर एक डिवाइस पे करना पड़ता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद फिर ये काम करना शुरू किया SCCM या सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू। SCCM बिल्कुल इंट्यून के जैसा ही प्रोडक्ट है जो ऑन प्रेमिस मॉडल के ऊपर है, जो आपके सर्वर की तरह होता है। उसके थ्रू भी आप बहुत सारे तरह के डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो, मोस्टली विंडोज डिवाइसेस, लेकिन इंट्यून iOS डिवाइसेस और एंड्रॉयड डिवाइसेस को भी साथ में मैनेज कर सकता है विद विंडोज डिवाइस। अब ऑटो पायलट इसको एक स्टेप और लेके चले जाता है जिसको बोलते हैं हम जीरो टच इंस्टॉलेशन। जीरो टच इंस्टॉलेशन का मतलब यह है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया, सब कुछ प्रोफाइल बना दी, सब कुछ कर दिया, और मैं नया सिस्टम बिल्कुल ब्रांड न्यू पैकेज्ड मैंने नहीं खोला उसको। पहले जैसे मैंने बताया कि मुझे हर एक डिवाइस को ओपन करना पड़ता था, उसके अंदर इमेज डालनी पड़ती थी और सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता था, राइट। अब नहीं करना पड़ता,
वो जीरो टच इंस्टॉलेशन है। मैं उस डिवाइस को बिल्कुल ब्रांड न्यू पैकेज डिवाइस को डायरेक्टली एंड यूजर तक दे सकता हूं और वो जैसे ही ऑन करेगा उसका डिवाइस ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएगा। ये मतलब है ऑटो पायलट का। ऑटो पायलट हम सबको पता है कि ये यू नो एविएशन टर्म है कि पायलट सिर्फ एक बटन दबाता है और यू नो हवाई जहाज खुद ब खुद उड़ता रहता है। एग्जैक्टली यही चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट ऑटो पायलट कि हमने सिर्फ एक बटन पहले से दबा दिया है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये करता क्या है, ये आपका टाइम बचाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एफर्ट बचाता है और मनी भी बचाता है बहुत ज़्यादा। अब लास्ट चीज़, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं कोई नई चीज़ को ओपन करता हूँ। अगर कंपनी की कोई भी चीज़ ओपन आती है यू नो नहीं अच्छा लगता इतना, बट अगर मैं उसको अपने हिसाब से ओपन कर रहा हूँ अलग ही मज़ा आता है, यू नो ग्रेट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। सो आगे बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑटो पायलट के कंपोनेंट्स के। ऑटो पायलट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, उसमें सिर्फ इंटरनेट यूज़ नहीं होता, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं बहुत बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू। सबसे पहला कंपोनेंट है डिवाइस हार्डवेयर हैश। डिवाइस हार्डवेयर हैश क्या है? ये एक रैंडम स्ट्रिंग है, एक रैंडम सीरियल नंबर है जो हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। अब उस हैश का एक्सेस किसके पास होगा? या तो डिवाइस का जिसके पास पोजेशन है उसके पास होगा या वेंडर के पास होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपनी एक ही कंपनी से खरीदती है, डेल से खरीद लेगी, एचपी से खरीद लेगी या सरफेस डिवाइसेस माइक्रोसॉफ्ट से खरीद लेगी, करेक्ट? तो जब आप वो 100 डिवाइसेस खरीदोगे तो वो आपको एक इन्वेंट्री भेजता है। इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है? डिवाइस का नाम, उसका सीरियल नंबर, वो है आपका हार्डवेयर हैश। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एक कंपनीज के साथ पैचअप किया है, टाइप किया है, जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली मुझे एक लिस्ट दे देते हैं, एक CSV फाइल दे देते हैं जो मैं डायरेक्टली इनट्यून के अंदर अपलोड कर सकता हूँ और मेरे डिवाइस को ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ पर जाना है ऑटो पायलट के लिए। ठीक है, हो सकता है आपको ये समझना है, डोंट वरी, बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए हार्डवेयर हैश एक डिवाइस का एक आइडेंटिफिकेशन है, बस ये लगा लीजिए आपका आधार नंबर है एक तरह से। ठीक है, आधार कार्ड अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो तो आधार कार्ड एक तरह से यू नो पासपोर्ट नंबर ही हो गया, बट ये इंडिया के लिए है स्पेसिफिक आधार कार्ड। सो आधार कार्ड हर एक बंदे का एक डिफरेंट, हर एक बंदे का एक यूनिक है। ऐसे ही हर एक डिवाइस का हार्डवेयर हैश भी यूनिक होता है, एक रैंडम स्ट्रिंग होती है। मैं आपको जनरेट करके ही बताऊंगा कैसे जनरेट करते हैं इसको। अगला कंपोनेंट है डिवाइस डिस्कवरी सर्विस। विंडोज OS का फंक्शन है ये, इंट्यून का फंक्शन नहीं है, ना ही ये कोई फंक्शन है एक्टिव डायरेक्टरी या Azure एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे सीरीज़ को सिर्फ इंट्यून से रिलेटेड ही रखूँगा। अगर आपको कभी भी OS से यू नो ज़रूरत आई या DDS से कोई भी दिक्कत आए तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। अगला जो कंपोनेंट है इसका वो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का फंक्शन जो है ZTD ID या जीरो टच डिप्लॉयमेंट ID, और ये AAD और विंडोज OS दोनों का एक कंबाइंड फंक्शन है। अब अगेन यू नो ऑटो पायलट जैसे मैंने बताया बहुत कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी साथ में मिले हुए हैं, सब मिक्सड अप है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रखना, इसलिए मैंने इसको कंपोनेंट वाइज थोड़ा अलग कर दिया है। अब अगली चीज बात करते हैं ऑटो पायलट प्रोफाइल। ये सारा का सारा इंट्यून का पार्ट है। हम इसमें प्रोफाइल बनाएंगे भी, हम इसको मैनेज भी करेंगे और हम इसको साइन भी करेंगे, कैसे करते हैं सब कुछ सब बताऊंगा। और लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है एनरोलमेंट स्टेटस पेज जो है इंट्यून का पार्ट। एनरोलमेंट स्टेटस पेज एक तरह से यू नो एक प्रोग्रेस बार है, वो आपको बताता रहेगा कि इतने परसेंट आपका काम हो गया, इस स्टेज के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर हम हैं। ठीक है, अगेन आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल में करेंगे और मैं इस सीरीज़ को पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा। मैं हर एक वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने देखा है मेरी जो वीडियोज़ हैं जो 45 मिनट्स या 1 आवर की हैं, थोड़ा यू नो मैं भी कई बार बोर हो जाता हूँ यार एक घंटे की वीडियो देखते देखते, तो मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए
आसान हो जाए, एक वीडियो देखो ऐश करो, ना दोबारा से दूसरी वीडियो देखो फिर ऐश करो। सो थोड़ा मैं इसको स्ट्रक्चराइज करूँगा इस सीरीज़ को। अब बात करते हैं वर्क फ्लो की, कि ऑटो पायलट काम कैसे करता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। सो सबसे पहले ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, जो करता है अपलोड हैश, वो वाला हैश, हार्डवेयर हैश, ठीक है, और वो क्रिएट करता है ऑटो पायलट प्रोफाइल। अब ये हैश कहां से मिलेगा, जैसे मैंने बताया, अगर मैंने 100 डिवाइसेस खरीदे हैं माइक्रोसॉफ्ट से, डेल से, एचपी से, किसी भी कंपनी से, मुझे वहां से वो हैश मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी वो डिवाइस है, पुराना डिवाइस है, आप उसको भी ऑटो पायलट डिवाइस बना सकते हो, आप खुद भी वो हैश क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके पास वो स्किल ना हो कि अगर आप डिपेंडेंट रहो कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट से हैश मिलेगा तो ही मैं करूँगा। लेकिन कहीं ना एक डर रहता है कि अगर कंपनी ने मुझसे पूछ लिया कि हैश आया कहाँ से, कैसे जनरेट हुआ, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहला पार्ट है अपलोड करना हैश को इनट्यून में या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस में। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस में हम पहले करते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है कि हम डायरेक्टली इसको अपलोड करें इनट्यून के अंदर। स्टोर फॉर बिजनेस को हम छेड़ेंगे नहीं इसमें फिलहाल। तो जैसे ही हार्डवेयर हैश हमने ऐड किया, सेकंड सेटअप स्टार्ट हो जाता है डीडीएस का, डिवाइस डिस्कवरी सर्विस का। तो डिवाइस डिस्कवरी सर्विस क्या करती है, एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना देती है। मतलब कि जैसे ही मैंने वो हैश किया तो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी को, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को पता लग जाता है कि ये एक कंप्यूटर का है ये जो हैश है। तो एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना देती है। जैसे अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी में काम किया होगा तो आप या तो यूजर ऑब्जेक्ट बना सकते हो या कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना देता है और फिर उसके साथ एक ZTD ID या जीरो टच डिप्लॉयमेंट ID ऐड कर देता है। ओके, यहां तक क्लियर? अगर नहीं हुआ आप कमेंट्स बॉक्स पे डालो। आई प्रॉमिस मैं हर एक कमेंट को चेक कर रहा हूं और मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर एक का मैं रिप्लाई दूं। राइट, सो सबसे पहला आपने हैश अपलोड किया, वो जाके DDS सर्विस पे गया, DDS सर्विस ने जाके Azure Active Directory में एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको ZTD ID भी दे दिया। अब यहां पर क्या होता है, कंप्यूटर ऑन होता है। अब आपने यहां तक काम कर दिया, ठीक है, आपके पास डिवाइस नहीं, आपने वो डिवाइस सीधा का सीधा एंड यूजर को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एडमिन हूँ, मेरा नाम ही एडमिन है और मेरा एक एंड यूजर है, लेट्स गिव इट नेम जेम्स बॉन्ड। अभी एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, एक दिल्ली का एक बंदा है, उसने ऑफिशियली अपना नाम जेम्स बॉन्ड रख लिया। सो इट इज़ अ गुड नेम, बट इस वीडियो में हम उसका ही नाम यूज करेंगे, जेम्स बॉन्ड। ओके, सो मेरा एंड यूजर है जेम्स बॉन्ड। अब उस जेम्स बॉन्ड ने अपना कंप्यूटर ऑन किया, कोई सीक्रेट मिशन होगा, आई डोंट नो। उसने जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन किया, वो दोबारा से डिवाइस डिस्कवरी सर्विस को कॉन्टेक्ट करेगा कंप्यूटर ऑन होते ही। ऑफकोर्स इंटरनेट भी उसको चाहिए, जेम्स बॉन्ड है भाई, उसके पास इंटरनेट भी होगा। डिवाइस बूट अप करते हुए डिवाइस डिस्कवरी सर्विस पे जाएगा और डिवाइस डिस्कवरी सर्विस आगे कॉन्टेक्ट करेगा वापस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, और वो देखा कि इस कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और फिर अगर आपको याद हो, एक ऑटो पायलट प्रोफाइल भी है, राइट? तो ऑटो पायलट प्रोफाइल एक ग्रुप के ऊपर असाइंड होगी, वो ऑटो पायलट प्रोफाइल, जैसे हमने पुरानी जो प्रोफाइल्स थी, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स, कंप्लायंस, कनेक्शन एक्सेस, ये सब हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर लगाई थी, करेक्ट? सेम वे एक ऑटो पायलट प्रोफाइल जस्ट लाइक अनदर प्रोफाइल, उसको भी हम एक ग्रुप के ऊपर असाइन करेंगे। तो डिवाइस बूट अप किया जेम्स बॉन्ड ने, DDS सर्विस के पास गया, उसको पता लगा कि इसका ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, वो जाएगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर और जाते ही वो एक प्रोसेस शुरू करेगा जो है AAD जॉइन, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जॉइन, इसको AAD जॉइन बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही ये AAD जॉइन हुआ, एक आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि वेलकम टू योर कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी का नेम है, कंटोसो ABC, जो भी आपका कंपनी नेम है, वो आपकी स्क्रीन आएगी। तो मतलब क्या है, उस वक्त तक आपके डिवाइस को पता है कि कहां पर जाना है, किस एक्टिव डायरेक्टरी या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाना है। ओके, ये भी हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट,
फिर जैसे ही आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हो, ऑटोमेटिक एनरोलमेंट जो हमने विंडोज की एक बेसिक सीरीज में हमने एक ऑटोमेटिक एनरोलमेंट ऑन किया था, वहां पर उसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली एनरोल होगा माइक्रोसॉफ्ट इनट्यून में। और जैसे ही वो इनट्यून के ऊपर एनरोल हुआ, उसको पता लगेगा कि इस यूजर के ऊपर या इस यूजर जो इस स्पेसिफिक ग्रुप का एक पार्ट है उसके ऊपर इतनी सारी पॉलिसीज एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह यू नो काइंड ऑफ असाइंड है, तो वो उस वक्त सब चीजें डाउनलोड करना शुरू कर देगा और फिर आएगी ईएसपी एनरोलमेंट स्टेटस पेज। जैसा मैंने बताया, एक तरह से यू नो काइंड ऑफ एक तरीका है एक जानने के लिए कि ये फेज क्या है वगैरह वगैरह, कि किस स्टेज के ऊपर हम हैं, तो वो स्टेज बताएगा ईएसपी। अगेन इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे और हम आगे इस चीज़ के बारे में देखेंगे। एंड जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपका डिवाइस रेडी हो जाएगा, सारी की सारी प्रोफाइल्स ऑटोमेटिकली उसके ऊपर असाइंड होगी, सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होंगी। एंड अगेन एडमिनिस्ट्रेटर ने उस डिवाइस को टच भी नहीं किया है और सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। सिर्फ इस डिवाइस को इंटरनेट चाहिए और उसका हार्डवेयर हैश चाहिए। सो ये था ऑटो पायलट का एक जनरल एक ब्रॉड ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम हार्डवेयर हैश जनरेट करते हैं, किस तरह से हम उसको अपलोड करते हैं, किस तरह से हम एक प्रोफाइल बनाते हैं ऑटो पायलट की, किस तरह से हम ईएसपी को सेटअप करते हैं, हमें किस चीज़ को कैसे ऐड करना है, एवरीथिंग। प्रैक्टिकल वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ, बट ज़रूर हम करेंगे इसको, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा दोबारा से कि हर महीने या मैं दो या तीन वीडियो तो एटलीस्ट डालूँ ही डालूँ, बट एक्चुअली यू नो पिछले कुछ टाइम से कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी मेरे फैमिली के अंदर, इस वजह से मैं बना नहीं पाया वीडियोस, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट मैं ट्राई करूँगा दोबारा से इस चीज़ को कंटिन्यू रखने की। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं जो है प्रैक्टिकल, वो जल्दी ही मैं उसको भी अपलोड करूँगा। Thank you so much guys, thank you so much, and again hit the subscribe button, see you in next video.